हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू मनकुल एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स जो अभी रिसेंटली में 2020 में हुए हैं। यह आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इनको आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी, जिससे कि बस एक बार वीडियो देखने भर से ही यह आपको याद हो जाएंगे और आपको आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट है हमारा वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा। ये अभी रिसेंटली में अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है रॉबर्ट एबेला। माल्टा की करेंसी 2007 तक लीरा थी गाइज, उसके बाद में इसकी करेंसी चेंज हो गई है और अब माल्टा की करेंसी है यूरो। और रॉबर्ट एबेला को याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। एबेला को आप कनेक्ट कर सकते हैं इबोला वायरस से। जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, तो बहुत टाइम पहले जब इबोला वायरस फैला था तो एबेला को इबोला वायरस और माल्टा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक बना सकते हैं कि इबोला वायरस सबसे ज़्यादा माल्टा में फैला। नेक्स्ट जो आज का है हमारा वर्ड वो है हेड ऑफ फुटबॉल क्लब मोहन बागान। इसके जो हेड बने हैं वो है स्वप्न साधन। मोहन बागान फुटबॉल क्लब है, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1889 में बाय भूपेंद्र नाथ बोस। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पूरे एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है। इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है वो है मोहन और बागों, इन दोनों को कनेक्ट करके और स्वप्नों को कनेक्ट करके। तो मोहन बागों में बैठकर स्वप्न आधार सपने देखता रहता है। फिर आज के बाद जो हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो है एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा में और जो इसके एमडी और सीईओ अभी रिसेंटली में अपॉइंट किए गए हैं वो है संजीव चड्ढा। तो संजीव और बड़ौदरा, बड़ौदा बड़ौदरा मतलब एक बड़े का सेंस आ रहा है और संजीव संजीव से संजीवनी बूटी आप सबको याद है, बहुत ही फेमस है। तो जो इसका ट्रिक मैंने बनाया है वो है कि बड़े लोग संजीवनी बूटी के सहारे ही जिंदा रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, बड़े होने के बाद में हज़ार तरह की बीमारियाँ आती है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो है एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और जो इसके एमडी अभी अपॉइंट किए गए हैं वो हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। तो इसका जो मैंने ट्रिक बनाया है कैनरा 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 को आप प्रोनाउंस कीजिए गाइस, तो आपको नर एक वर्ड सुनाई देगा। तो हम कैनरा और लिंगम इन दोनों को कनेक्ट करके लिंग उसमें से एक वर्ड निकाल सकते हैं और हम एक ट्रिक बना सकते हैं कि नर और नारी में लिंग के आधार पर भेदभाव मत करो। जब इस तरीके से आप इसको बना के रिलेट करेंगे और जब ऑप्शन में आपको लिंगम वेंकट प्रभाकर नाम दिखेगा तो आपको ये बहुत ईजिली रिकॉल हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो है एमडी ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट। इसके जो एमडी अपॉइंट किए गए हैं वो है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक। इसके चेयरमैन है गाइस गोविंद प्रसाद शर्मा और इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है वो है कि बुक ट्रस्ट के मालिक युवराज है। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस चीज़ों को कनेक्ट कर देना है कि जो नेशनल बुक ट्रस्ट है तो बुक ट्रस्ट के मालिक कौन है, युवराज हैं। ऐसे ही इसके एमडी कौन बने हैं, कर्नल युवराज मलिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये अभी रिसेंटली में बने हैं माइकल पात्रा। इन्होंने विरल आचार्य को रिप्लेस किया है। तो इसके लिए जो ट्रिक है माइकल माइकल में सुनिए माइकल, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे माइकल तो हमें दो वर्ड निकल के आएंगे माई प्लस कल। और आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम इसकी ट्रिक बनाएंगे कि माई कल के लिए रिजर्व मत करो, कल का क्या भरोसा, जो भी करना है वो आज ही कर लो। तो इस तरीके से हम ये नए डेप्यूटी गवर्नर को याद कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अदर डेप्यूटी गवर्नर्स है आरबीआई में एट प्रेजेंट, उनके नाम है एनएस विश्वनाथन, बीपी कानुंगो और एमके जैन। इसी तरीके से आपको पता होगा, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। इसके बाद यूएस मतलब इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस, ये अभी रिसेंटली में अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है हर्षवर्धन श्रृंगला को और ये है हमारे तरनजीत सिंह संधू। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है यूएस ओपन, एक बहुत ही मतलब जो टेनिस का टूर्नामेंट है यूएस ओपन बहुत ही फेमस टूर्नामेंट है। तो यूएस ओपन को हम तरनजीत से कनेक्ट कर सकते हैं कि यूएस ओपन कौन जीत के लाए हैं, तरनजीत के लाए हैं। आप इस नेम को तरन से थोड़ा तरुण या इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपको सिर्फ अपने माइंड में इमेजिनेशन करनी है। तो यूएस ओपन कौन जीत के लाया है, तरनजीत के लाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अभी रिसेंटली में अपॉइंट हुए हैं वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर। इनका नाम है खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुलजाइज अल थानी। कतर की जो कैपिटल है वो है दोहा और यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल। अब इसमें खालिद खालिद
अब्दुल्ला अजीज, अब्दुल्ला अजीज। जब आप अब्दुल्ला अजीज को प्रोनाउंस करेंगे तो आपको एक अजीज वर्ड सुनाई सुनाई देगा। और कतर, इन सबको रिलेट करके मैंने आपके लिए ट्रिक बनाने की कोशिश की है, वो है कि खालिद मियाँ कतर कतर मत करो, अजीज चीज बना के लाओ। सिर्फ काटने काटना मत दिखाओ, कुछ अच्छा सा अजीज सी चीज बनाकर खिलाओ, तो हमें पता चलेगा कि हाँ आपने कुछ बनाया है। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, ये है मिखाइल मिशुस्टिन। ये अभी रिसेंटली में अपॉइंट किए गए हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये सभी को पता है। यहाँ की जो कैपिटल है वो है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है वो है मिकाइल 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 मिसाइल मिसाइल। जब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो आपको मिसाइल इजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम क्या ट्रिक बना सकते हैं कि रशिया एक शांतिप्रिय देश देश है जो कि आगे से किसी पर भी मिसाइल नहीं दागता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, ये अभी रिसेंटली में ही इनको इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, इंडियन लॉयर अपॉइंटेड इनटू क्वीन एलिजाबेथ सेकंड्स काउंसिल ऑफ सीनियर एडवोकेट फॉर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। इनका नाम है हरीश सालवे। ये इंडिया के बहुत ही फेमस लॉयर है गाइस। अगर आपको याद हो तो अभी रिसेंटली में जो कुलभूषण यादव का केस इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ा गया था, हैग, जिसका हेडक्वार्टर हैग द नीदरलैंड्स में, वहाँ पे भी इन्होंने कुलभूषण यादव का केस इंडिया की तरफ से फाइट किया था, और जिसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट से कोई फीस भी नहीं ली थी, इन्होंने सिर्फ 1 रुपया लेकर वो केस लड़ा था। ये बहुत ही फेमस लॉयर है और इनको अभी रिसेंटली में वहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो जब आप हरीश को प्रोनाउंस करेंगे, हरीश हरीश, तो एक रिच वर्ड सुनाई दे रहा है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है कि रिच लोगों को ही इंग्लैंड की क्वीन से मिलने का मौका मिलता है, कोई नॉर्मल हम या आप जैसे लोग तो वहाँ जाके मिल नहीं सकते, कोई बहुत जो रिच लोगों का वही लोग इंग्लैंड की क्वीन से मिलने का मौका पाएंगे। गाइज इसको पर्सनली मत लेना, मैं सिर्फ चीजों को कनेक्ट कर रही हूं और कुछ मेरा इंटेंशन नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे लिए मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ वो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड। ये मिला है रानी रामपाल को। तो इसके लिए हम ट्रिक बना सकते हैं कि रानी राम, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इन नेम को उठा के एक सिंपल सी लाइन अपने दिमाग में इमेजिनेशन करनी है। तो रानी राम से रेस में जीत गई इसलिए इनको अवार्ड मिला। नेक्स्ट जो हमारा अपॉइंटमेंट और बहुत लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपॉइंटमेंट है वो है प्रेसिडेंट ऑफ एशियन टेनिस फेडरेशन, ये है अनिल खन्ना। तो इसके लिए हम ट्रिक बना सकते हैं, एशियन से हम एनिस एशिया कनेक्ट कर सकते हैं और खन्ना से खाना खाना खन्ना, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एशिया में क्या है, लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं पहले तो, और फिर वो टेनिस खेल नहीं पाते हैं। इस तरीके से ये कुछ रीसेंट के अपॉइंटमेंट्स थे जिनको ट्रिक बना के बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको रिमेम्बर करने की कोशिश की है। अगर आप इस वीडियो को एक बार भी अच्छे तरीके से सुन लेंगे तो आपको दोबारा इनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको एग्जाम्स में ये ऑप्शन दिखेंगे तो आप इसको बहुत ईजीली रिकॉल कर पाएंगे। तो ये आज के ट्रिक्स थे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे एफर्ट्स और ये ट्रिक्स पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।